पिपरिया में देर शाम रेलवे अंडरब्रिज के नीचे गोरक्षणी प्रमुख सहित विहिप के नेता रवि विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विहिप नेता के साथ दो अन्य लोग भी कार में सवार थे। वह अपनी कार से होशंगाबाद से पिपरिया स्थित अपने निवास पर आ रहे थे, तभी घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने रेलवे अंडरब्रिज के नीचे उनकी कार पर लाठी और राडों से हमला कर दिया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे दो लोग घायल हो गए। रवि के साथ भूरा गुर्जर जमाड़ा और प्रांतीय सह संगठन मंत्री राजकुमार सिंह भी साथ थे। वहीं आरोपियों ने विहिप नेता रवि विश्वकर्मा पर देसी कट्टे से गोलियां चला दी। मामले की जानकारी लगते ही एसडीओपी शिवेंदु जोशी, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, स्टेशन रोड पुलिस, मंगलवारा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। रवि विश्वकर्मा को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते ही विहिप के कार्यकर्ताओं का जमघट अस्पताल में लग गया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस ने अमित विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर धारा 341, 147, 148, 149, 323, 302 सहित 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मुन्ना गुर्जर, संजय पटेल, अजीत पटेल, राहुल पटेल, नीतू वंशकार, अभि तिवारी, अभिषेक चौरसिया, कल्लू मेहरा, नितिन मेहरा, रज्जू पूर्बिया सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सूचना पहुंचने पर पुलिस तत्काल पहुंची। घायल अवस्था में उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना पर थाना स्टेशन रोड पिपरिया में धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। 9 लोग उसमें नामजद किए गए हैं। उनकी तलाश के लिए लगातार हमारी टीमें रात भर से उसमें प्रयास कर रही हैं, तपिश जारी है। सर, घटना से संबंधित कोई CCTV या वीडियो सामने आए हैं? सर, पास में ही एक बिल्डिंग में कुछ CCTV कैमरे लगे होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, उसमें से कुछ फुटेज मिले हैं। कितने स्पष्ट हैं फुटेज ये नहीं कह सकते, लेकिन उसकी जब्ती की कार्रवाई कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? आरोपियों के लिए कल रात से ही लगातार प्रयास जारी हैं और हमें विश्वास है कि हमारे प्रयास जल्द सफल होंगे। हम सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। लगभग कितनी टीमें बनाई गई हैं तलाश की? गिरफ्तारी के लिए हमने 3 टीमें बनाई हुई हैं, जिसमें तीनों में हमारे थाना प्रभारी हैं और कम से कम 15 से 20 जवान हमारे उसमें शामिल हैं। रवि विश्वकर्मा नाम के यहाँ पर एक व्यक्ति, सूचना मिली कि अंडर ब्रिज के पास में उनकी गाड़ी के ऊपर डंडों से मार के सूचना मिली कि गोलियां चल रही हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस पहुंची तब तक उनके ऊपर गोली चल चुकी थी और वो गाड़ी के बाहर उनका बॉडी थी और ऑन द स्पॉट उनकी सांसें चलना बंद हो गई थी। जब अस्पताल ले गया तो कंफर्म हो गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और प्रिलिमिनरी तौर पर पुलिस ने जांच तत्काल शुरू कर दी। वहाँ से स्पॉट को वहाँ से मिट्टी और खून प्रिजर्व करवा लिया गया है और जो लोगों से सामने आ रहा है उसमें इनकी किसी से पुरानी रंजिश थी और ऐसे कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उस पर अभी FIR की कार्रवाई चालू है। FIR होते से नाम का खुलासा होगा और जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। उसका PM किया गया डॉक्टर की टीम द्वारा और उसमें 2 गनशॉट इंजरी थी, जिसमें कि एक बुलेट तो उसमें से मिल गई है और एक बुलेट ऐसा लग रहा था कि बाहर निकल गई। और जो दाहिने हाथ की थी वो दाहिने हाथ से लग करके छाती में गई और छाती में बाईं तरफ मिली है और दाहिने हाथ में चोट है, वो हड्डी से टकरा करके गोली बाहर निकल गई। सर, लगभग बाकी 10-12 चोटें और हैं, 12 करीब चोटें हैं पूरे शरीर में, जिसमें हथौड़े, लाठी और कुल्हाड़ी की चोटें हैं। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। दबंग न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो की जाँच पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।